बिहार से आए हैं, मोदी जी कह रहे हैं आंदोलन अकेले पंजाब का, और बिहार में बक्सर जिले में जो हमारी माओ बहना पर मातृ शक्ति पर तशद्दुद किया, बच्चों को पीटा गया, हम उसकी निंदा भी करते हैं और वहां जाएंगे भी डेपुटेशन के तौर पर। और ये भाई हमारे आए हैं, ये अस्थि कलश में भी शामिल होंगे और वहां सारे इकट्ठे जाकर आने वाले दिनों में 140 करोड़ भारतीयों का ऐसा इकट्ठ करेंगे, ऐसा इकट्ठ करेंगे मोदी जी और उनके कुंबे को रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये किसान मजदूर का एका है, देश के भारतीय लोगों का एका है और देश की किरत बचाने की लड़ाई है, देश के खेत खलिहान को बचाने की लड़ाई है। सो हम सभी भारतवासियों को निवेदन करते हैं, आइए संघर्ष में एकजुट कर कूदिए और अवश्य जीतिए। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। कहीं बोलो, दो मिनट करो बात। ऐसे हम लोग बिहार से आए हुए हैं और यहाँ आके आपके आंदोलन में जो हम लोगों ने शरीक हुआ, बहुत मन गदगद हो गया। आज इस देश में पंजाब में जो नैतिकता है और जो यहाँ के किसानों में, नौजवानों में जज्बा है, वो दूसरे प्रांत में नहीं है। और यहाँ आके हमको बहुत सीख मिला है। हम अब जब जाएंगे अपना बिहार तो वहां भी पूरा कोशिश करेंगे, मरते दम तक किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और जो सीख मिला है, इस सीख के आधार पर हमें लगता है कि बिहार भी जगेगा और बिहार में भी किसानों का एकता होगा। मैं आप लोगों की प्यार, और जब मैं आया हमारे राष्ट्र किसान के उपाध्यक्ष मेरे साथ थे तो इनसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने हमारे स्थान रहने का व्यवस्था किया। और आप लोगों का प्यार इतना लगा कि हम नहीं लगते हैं कि बिहार में हैं और मैं घर में हूँ। आप लोगों की बहुत बड़ा प्यार मिला और हम लोग ये जो चट्टानी एकता आप लोगों ने जो कायम किया, अभी बोल रहे थे ये मोदी बहुत बड़ा गुंडा जो आपको चाय बेचने वाला का बेटा बताकर हम गरीबों का वोट लिया और धोखा से वोट लिया और ईवीएम में डकैती करके वोट लिया, और इसकी लड़ाई हम लोगों को छोटी सी नहीं है, ये आप लोगों की लड़ाई संकल्प रहना होगा। ये किसान ही जो हम लोग अन्नदाता हैं, ये अन्न खिलाते हैं हम, शासन करता हम पर, हमारे ही घर में हम ही को मियाओ। इसलिए मोदी को भगाओ और देश बचाओ की नारा हम लोगों की होगी और हम लोग संकल्प ले लें। किसान तो हमारी तो बहुत निकट आए हैं, इलेक्शन शुरू है और हम लोग नारा और एक रथ की तैयारी करें। सभी स्टेट में अगर तैयारी की जज्बा हो जाए तो ये मोदी को भगाओ, भैया गठबंधन को मोदी को वोट मत दो। ये लड़ाई अगर हम लोग हर जगह चलें और किसानों की आवाहन हो, मैं यही कहूंगा। और गरीब का बेटा बन के वह अंग्रेज का बेटा निकला, तो साला बहुत बड़ा अंग्रेज निकला वह का। ये मोदी का, ये आपको अदानी अंबानी का कर्ज जो माफ किया 17,000 करोड़, ये किसानों की कर्जा क्यों नहीं माफ हुई जो हम लोग मेहनत कश हैं, हम लोग अन्नदाता हैं और हम लोगों को ही मियाँ कहती है। तो इसका हम लोग बदला कैसे ले लेंगे कि जबकि इसको यहाँ से नहीं भगाएंगे और देश बचाओ तभी बचेगा, नहीं तो इस बार अगर वो बाजी मारा ईवीएम में तब तो हम लोगों को पीस देगा वो। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तो तैयार हैं और मरो और करो।